पाकिस्तान में एक शर्मनाक ट्रेंड ट्विटर पर टॉप में रहा और वो ट्रेंड था श्रीलंका और भारत के एशिया कप फाइनल मैच के बारे में। और उस ट्रेंड में कहा जा रहा था कि श्रीलंका और भारत का मैच जो था वो फिक्स था। पाकिस्तान में श्रीलंकन के बारे में किसी भी बात करने से पहले बहुत कुछ सोच लेना चाहिए। श्रीलंका की टीम एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर पाकिस्तान में हमला हुआ था और उसी के बाद पाकिस्तान पर क्रिकेट के दरवाज़े पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बंद हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद कोई टीम जो पहले पाकिस्तान में आई थी वो श्रीलंकन टीम थी। श्रीलंका के साथ हमेशा से पाकिस्तान के बहुत अच्छे पॉलिटिकल तल्लुकात रहे, श्रीलंकन बोर्ड के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात रहे। और फिर पाकिस्तानी प्लेयर जो लंका प्रीमियर लीग में जाकर खेले उन्हें बेशुमार मोहब्बतें वहाँ से मिली। बाबर आजम के लिए श्रीलंकन जो फैन थे उन्होंने बेशुमार मोहब्बतें बाबर आजम को दी। और मैं चाचा क्रिकेट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया पूरी में जो सबसे अच्छा क्राउड उन्हें लगा वो श्रीलंका का क्राउड था। तो श्रीलंकन नेशन के बारे में इस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर कहना, भारत के ख़िलाफ़ गम गुस्से को या भारत के ख़िलाफ़ जो एक हमारा एक राइवलरी है उनके साथ उसको तस्कीन देने के लिए श्रीलंकन नेशन के बारे में, श्रीलंकन प्लेयर्स के बारे में इस तरह की बातें करना और श्रीलंकन प्लेयर्स के बारे में इस तरह की तस्वीर उनके ट्विटर के ऊपर शाया करना जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनके हाथों में कोई ख़जाने हैं, पैसे हैं, बहुत सारी दौलत आ गई है उस मैच के बाद और उसके ऊपर लिखा हो कि वेल पेड इंडिया, इस तरह की बातें श्रीलंकन टीम के बारे में करना, श्रीलंकन नेशन के बारे में करना पाकिस्तान की तरफ से यकीनन एक ज़्यादती है और उसे बहुत सा डिस्करेज करना चाहिए। पाकिस्तान की ऑलरेडी दुनिया के साथ राइवलरी चलती है, पहले पाकिस्तान की भारत के साथ एक राइवलरी हुआ करती थी, भारत के बाद पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ एक राइवलरी डिवेलप हो गई और अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ इस तरह के मैच होते हैं कि जैसे कभी भारत और पाकिस्तान के हुआ करते थे। तो क्या दुनिया पूरी के साथ हमने राइवलरी बनानी है? ईरान क्रिकेट खेलता नहीं है शायद, वगरना हम इस तरह की बातें करके उनके नेशन के बारे में, उनके लोगों के बारे में तो उनके साथ भी कोई राइवलरी बना देते, और चाइना भी नहीं खेलता तो इसलिए शायद वो दोनों मुल्क हमारे पड़ोस में बचे हैं, वगरना तो हमने सबके साथ ही एक राइवलरी बनाई हुई है। श्रीलंकन्स के बारे में, श्रीलंकन नेशन के बारे में, श्रीलंकन प्लेयर्स के बारे में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें करने वालों को बहुत सा डिस्करेज करना चाहिए।